हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू जयास किचन खजाना। मैंगो सीजन चल रहा है, तो चलिए आज बनाना सीखते हैं कच्चे आम की खट्टी मीठी सी चटनी। तो इसे बनाने स्टार्ट करने से पहले आम को अच्छे से धो लेंगे और उसे काट लेंगे छील करके। तो कढ़ाई गर्म करेंगे और उसके बाद उसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, 1 चम्मच डालेंगे सौंफ, इसे क्रैकल होने देंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे कलौंजी 1/2 छोटा चम्मच। अब ये आम को अच्छे से वॉश करके छील के पीसेस में कट कर लिया है मैंने, उसे इसमें ऐड कर देंगे। और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। इसे थोड़ी देर चलाते हुए अब इसके बाद इसे ढक करके 2 से 3 मिनट तक इसे पकने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये थोड़ा पक गया रहेगा, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। आप इसे दबा करके ऐसे प्रेस करके देख सकते हैं चम्मच से, यह हल्का सा दबने लगेगा। तो ये आम थोड़ा पक चुका है। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे गुड़। गुड़ को सिंपली मैंने मैश कर लिया है और उसके बाद इसमें ऐड किया है। यहाँ 1/2 किलो आम लिया था मैंने और उसमें 200 ग्राम के करीब गुड़ लगा है। गुड़ आप आम जितना खट्टा हो मीठा हो उसके अकॉर्डिंग इसमें ऐड करें। कभी कभी आम बहुत ज्यादा खट्टे होते हैं तो हमें ज्यादा गुड़ ऐड करने की जरूरत पड़ती है, तो उसके खट्टेपन के अकॉर्डिंग इसमें गुड़ ऐड करें। इसे अच्छे से मेल्ट होने देंगे। ये देख सकते हैं गुड़ मेल्ट हो गया है। अब हमें जो आम है इसी गुड़ के चाशनी में हमें इसे पकाना है। ये देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा बॉयल आ गया है, कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है इसका। अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी हल्दी। थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। इन सबको मिक्स कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे काला नमक। यहाँ 1 छोटा चम्मच मैंने काला नमक यूज किया है। आप चाहे तो रेगुलर सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन काला नमक ऐड करने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे तब तक पकाना है जब तक इसमें 1 तार की जो चाशनी होती है उतने देर तक इसे पकाना है। ये देख सकते हैं ये रिड्यूस हो गया है, अभी गाढ़ा भी हो गया है। तो इसे चेक करने के लिए सिंपली ये देखेंगे इस तरीके से ये हो जाए, इसमें तार उठ रहा है 1 तार, तो ये रेडी है बिल्कुल। अब इसको हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें डालेंगे भुना हुआ सौंफ, जीरा और मेथी का पाउडर। ये गैस बंद करने के बाद ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये खट्टी मीठी सी कच्चे आम की चटनी बनकर रेडी है।
ऐसे पराठे के साथ, रोटी के साथ, जिसके साथ भी आपका मन करे आप खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो अगर ये रेसिपी आपको खट्टे मीठे आम की पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड थैंक यू।